तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पर कैमरा की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, कैमरा के भी फीचर्स देख लेते हैं, एक एक फीचर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैमरा का भी दोस्तों। तो चलिए कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है प्रो मोड। इस प्रो मोड में आप आके DSLR कैमरा के कुछ सेटिंग्स करके प्रोफेशनल फोटो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप ISO को, शटर स्पीड को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ISO होता है, लाइटिंग आपको ज़्यादा चाहिए तो ISO को ज़्यादा करना होता है। अगर आप ऐसी जगह पर हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है तो कम कर लेना, कम है तो ज़्यादा कर लेना, ये हो गया। इसके बाद शटर स्पीड, ये क्या होता है, आप रनिंग में फ़ोटो ले रहे हैं तो आपको शटर स्पीड को जितना हो सके उतना ज़्यादा करना होता है। आप रनिंग में ले रहे हैं फोटोज़, तो आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका जो फोटो है वो स्मूथ आता है दोस्तों, शेक नहीं होगा, आपका फ़ोटो ब्लरी टाइप नहीं आएगा दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद ईवी लाइटिंग के लिए होता है, लाइटिंग ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा कर लेना, कम चाहिए तो इसको कम कर सकते हैं। ये भी लाइटिंग ऐड करता है EVV आपके फोटो में। ये होगा ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, यहाँ पर आप ऑटो फोकस मैनुअल फोकस को कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑटो पर सेट करेंगे इसको तो ऑटोमेटिक फोकस होता रहेगा कोई भी चीज़ों, मतलब आप दो लोग हैं एक और बंदा आता है तो उसको भी फोकस करेगा। आप मैनुअल फोकस करेंगे इसको ऑफ करेंगे ऑटो फोकस को तो आपको टैप करके फोकस करना होता है, ये होता है ये। और वाइट बैलेंस में एक कलर चेंज करता है, नेचर को चेंज करता है, आप यहाँ पर वाइट बैलेंस में कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फोटो आप क्लिक कर रहे हैं वो फोटो का साइज किस साइज में हो वो फोटो के साइज को आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद 3S 10S टाइमर भी मिलता है आपको, यहाँ पर 3S कर लिया आपने तो फोटो क्लिक करते वक्त में इस तरह से 3 सेकंड्स का टाइम आता है, 3 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। आप ग्रुप के साथ फोटो ले रहे हैं या कोई भी नहीं है फोटो लेने वाला, आप अकेले हैं तो उस वक्त ये टाइमर को यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप के साथ फोटो लेते वक्त 10 लोग हैं मान लो कि ग्रुप में 10 लोग हैं तो 9 लोग पहले खड़े होंगे, उसके बाद एक बंदा क्या करेगा 10 सेकंड का टाइम सेट करके यहाँ पर शूटर बटन पर क्लिक करके ट्राइपॉड या कहीं भी स्मार्टफोन को लगाएगा और 10 लोगों के ग्रुप में जाके खड़े होगा और 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक हो जाता है पूरे 10 लोगों के ग्रुप के साथ में, ये हो गया। आप अकेले हैं फोटो लेने वाला कोई भी नहीं तो आप ट्राइपॉड या कहीं भी स्मार्टफोन लगाकर 10 सेकंड का टाइम सेट करके आप खड़े हो सकते हैं अपने स्पॉट पे और 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक हो जाता है, ये हो गया दोस्तों। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर है, आप इसको ऑलवेज ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप यहाँ पर इसको करेंगे ऑटो पर सेट करेंगे तो रात में फोटोज क्लिक करते वक्त इतना ही फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है और यहाँ से इसको करेंगे ऑन तो फोटो जब भी क्लिक करते हैं फोटो क्लिक करते वक्त में फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है और उसको ऑफ भी कर सकते हैं। आपने ऐसे इसको ऑफ किया तो जब तक आप खुद ऑन नहीं करते तब तक ये फ्लैशलाइट ऑन होने वाली नहीं। और आप यहाँ पर प्रो वीडियो मतलब प्रो फोटो लेते वक्त प्रो मोड में 10x तक जूम कर सकते हैं, इसमें आपको वाइड एंगल नहीं मिलता, ये हो गया दोस्तों प्रो मोड। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं अभी वीडियो मोड में। वीडियो मोड में आप टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा कम यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको लाइटिंग चाहिए ज़्यादा तो आप ज़्यादा कर लेना, कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं इसको, लॉक करेंगे तो लाइटिंग कम ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों, आप यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर जो F बोलकर लिखा है इसके ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड जो ब्लर हो रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है, आप अपर्चर को ज़्यादा करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है। और इसके बाद आप इस पर क्लिक करके रीटच कर सकते हैं, मतलब अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं, आपको कितना ब्यूटी करना है उतना ज़्यादा कर लेना है और कितना कम करना है उतना कम कर लेना है, अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करके फिल्टर्स भी लगा सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में, यहाँ पर आपको कुछ ये फिल्टर्स मिलते हैं यहाँ पर देख लीजिए और इनमें से जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो फिल्टर लगाकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पहले जो यहाँ पर जो मिलता है आपको फर्स्ट में जो है ये इफेक्ट है, बैकग्राउंड जो ब्लर हो रहा है वो इफेक्ट चेंज हो जाता है इस पर आप सेट करेंगे तो, और बाकी के जो हैं विविध से ये बाकी के सारे फिल्टर्स हैं। तो चलिए ये इफेक्ट है और बाकी के फिल्टर्स हैं, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इस पर क्लिक करके आप इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 फ्रेम रेट को सेट करके, फुल HD करेंगे आप यहाँ पर 1080 में 60 फ्रेम रेट को सेट कर सकते हैं। ये 30 FPS में आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो वीडियो थोड़ा आपका स्मूथ नहीं आएगा, लैगी आएगा, 60 FPS में करेंगे तो वीडियो स्मूथ आता है, क्योंकि अब मान लो आप इसमें सेट करेंगे 30 फ्रेम रेट तो 1 सेकंड में 30 फोटो क्लिक होंगे, 30 फोटो का मिला कर 1 सेकंड का वीडियो बन जाता है। आप 30 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो 1 सेकंड में 60 फोटो होंगे, 60 फोटो का मिला के 1 सेकंड का वीडियो बन जाता है, मतलब आप एक पर एक 30 फोटो रखेंगे तो गैप ज़्यादा आएगा, 60 फोटो रखेंगे तो गैप कम आएगा ना, तो इसलिए 60 फ्रेम रेट का जो वीडियो होता है 60 FPS का जो वीडियो होता है वो स्मूथ आता है इस 30 फ्रेम रेट के मुकाबले 30 FPS के मुकाबले।
मतलब ये FPS जितना ज़्यादा होता है उतना आपका वीडियो स्मूथ आता है, कहने का मतलब ये है। ये होगा, इसके बाद ये ऑफ है तो हम इसको ऑन करेंगे, अल्ट्रा स्टडी होता है। अल्ट्रा स्टडी का मतलब ये है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त अपने फ़ोन को हिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने फ़ोन को हिलाया ही नहीं, मतलब आपका जो वीडियो है वो शेक नहीं होगा, स्मूथ आता है। इस अल्ट्रा स्टडी को ऑन करेंगे तो स्टेबल रहेगा आपका वीडियो। ये हो गया, यहाँ पर फ्लैश की फीचर के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले ही ऑन हो जाता है, एक और बार क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है दोस्तों। और आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त जूम करना चाहे तो इसमें 10x तक जूम कर सकते हैं और वाइड एंगल इसमें आपको नहीं मिलता वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके इस सेटिंग्स के बारे में बाद में जानेंगे, यहाँ पे जो पहले जो सामने जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट फोटो मोड मिलता है, आप ये नॉर्मल मोड मिलता है आपको, इसमें आप एनी टाइम फोटोज ले सकते हैं। जूम करना है आपको तो इसमें भी आप 10x तक जूम कर सकते हैं, और इसके बाद आप लाइटिंग को ज़्यादा कम इसमें भी कर सकते हैं। फिल्टर इसमें भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर फिल्टर आपको जो अच्छा लगे। इसके बाद यहाँ पे आपको रीटच मतलब अपने फेस को ब्यूटी इसमें भी कर सकते हैं, फोटो मोड में भी। थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, टाइमर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर फोटो के साइज को रीसाइज कर सकते हैं। ऑटो HDR को ऑन कर लेना HDR वीडियो फोटोज़ के लिए, बेहतरीन फोटोज़ के लिए। और आप बाकी कुछ यहाँ पर खास नहीं है, आप इस पर क्लिक करके इंटरवल शूटिंग आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर और यहाँ पर 3 सेकंड से लेकर आप यहाँ पर 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक ले सकते हैं, और 5 शॉट से लेकर आप 50 शॉट्स तक यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए ये हो गया, इसके बाद आप यहाँ पर गूगल लेंस मिलता है आपको, यहाँ पर यहाँ से आप ओपन कैमरा पर क्लिक करके यहाँ पर स्कैन करेंगे कोई भी QR कोड को, तो QR कोड किस चीज़ के बारे में आपको उस चीज़ के लिए रीडायरेक्ट कराएगा। और इसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे यहाँ से, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ से फोटो लेंगे उसका, तो उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करेगा दोस्तों गूगल, और उसके बाद उसी प्रोडक्ट के और भी जानकारी निकाल कर देगा। ये कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी पेपर में, मान लो पेपर है आप वो इंग्लिश है आपको पढ़ना नहीं आता, तो आप इस ट्रांसलेट पर क्लिक करके यहाँ से वो फोटो कर लेंगे पेपर का, तो आप इंग्लिश में है वो पेपर तो यहाँ पर हम इंग्लिश सेट करेंगे सबसे पहले। चलिए यहाँ पर इंग्लिश सेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हिंदी में सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फोटो लेंगे फोटो पेपर का और वो इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताएगा वो पेपर में जो भी है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ खास नहीं, यहाँ पे ये होगा गूगल लेंस, ये यूज़ कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर फ्लैश का फीचर इसमें भी मिलता है, और ये तो आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। नेक्स्ट पोर्ट्रेट, यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज ले सकते हैं। लाइटिंग को कम ज़्यादा इसमें भी आप कर सकते हैं, फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं और फेस को रिटच कर सकते हैं मतलब ब्यूटी कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड का जो ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये हो गया, थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे फीचर्स इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मोड में, नाइट मोड मिलता है आपको, रात में फोटोज लेना है तो आना होगा इस नाइट मोड में, यहाँ से आप रात में फोटोज ले सकते हैं। आप जूम करना चाहे तो आप इसमें 10x तक जूम कर सकते हैं, लाइटिंग को कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप फेस को ब्यूटी नहीं कर सकते, रीटच आपको इसमें नहीं मिलता इस नाइट मोड में। थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो टाइमर यूज़ कर सकते हैं और फोटो के साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट मोड में आने के बाद आप हाई रेस में आके जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, उस लेंस से आप यहाँ पर फोटोज़ ले सकते हैं, HD फोटोज निकल कर आते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट मोड में आने के बाद आप यहाँ पर मिलता है पैनो, मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पैनो में आके शूटर बटन पर क्लिक करेंगे, धीरे धीरे पूरे प्लेस को बताएंगे तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। ये हो गया, नेक्स्ट मोड में आएंगे, आने के बाद स्लो मो की वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस स्लो मो के फ्यूचर में, यहाँ से आप स्लो मो के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एडिटिंग करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं स्लो मो की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए दोस्तों। ये हो गया, यहाँ पे आप 1080p में ले सकते हैं 120fps पर सेट करके, मतलब 1 सेकंड में 120 फोटो क्लिक होंगे, और 720p में आप 240fps सेट कर सकते हैं, 1 सेकंड में 240 फोटो क्लिक होंगे, मतलब ये होता है मतलब स्मूथ आता है वो आपका, जितना FPS ज़्यादा रहेगा उतना स्मूथ आता है। नेक्स्ट मोर में आने के बाद टाइम लैप्स के शॉट्स यहाँ से आप लेना चाहे ले सकते हैं, आप 10x से लेके 960x तक इसको कर सकते हैं टाइम लैप्स को। मोर में आने के बाद आप यहाँ पर डुअल व्यू वीडियो मतलब फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो कर सकते हैं, इसके फ्रेम को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे इसको सेट करके यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा, वीडियो कॉल के जैसा वो दिखता है। ये होगा,
नेक्स्ट मोर में आते हैं। मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्टिकर लगा के आप शॉर्ट्स लेना चाहें फोटोज़ वगैरह, तो यहाँ से आप ये स्टिकर्स वाले लगा के मतलब ये इस तरह से स्टिकर्स वगैरह लगा के यहाँ पे आप फोटोज ले सकते हैं। ये देख लीजिए पगड़ी है, मतलब पगड़ी पहन के आप पगड़ी इसको ऑन करके इसको सेलेक्ट करके आप इस तरह से कैमरा पकड़ेंगे तो पगड़ी पहन के आप फोटो ले रहे हैं ऐसा दिखेगा दोस्तों। आप ये स्टिकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर में आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट स्कैनर, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट फोटो मोड में आके थ्री लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर हम आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है वाटरमार्क, इसको ऑन करेंगे। ऐड वाटरमार्क टू फोटोज वीडियोस, फोटोज एंड वीडियोस दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फोटोज के लिए इतना ही चाहिए तो फोटोज के लिए इतना ही सेट कर सकते हैं। डिवाइस मॉडल मतलब कौन से फ़ोन में आपने फोटो क्लिक किया है वो फोटो के ऊपर बताएगा डिवाइस मॉडल, वो ऑन करना चाहिए तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। लोकेशन को सेट कर सकते हैं, किस लोकेशन में आपने फोटो क्लिक किया है वो फोटो के ऊपर बताएगा दोस्तों यहाँ पर लोकेशन। डेट एंड टाइम को ऑन करेंगे तो डेट एंड टाइम भी बताएगा जिस डेट पर जिस टाइम पर आपने फोटो क्लिक किया बोलकर। अब दो चार साल बाद फोटो देख रहे हैं तो पता कर सकते हैं हाँ ये इतना पुराना फोटो है इस डेट का इस टाइम का है बोलकर देख सकते हैं। आप यहाँ पर कस्टमाइज टेक्स्ट में अपना नाम हो कुछ भी आप यहाँ पर लिखकर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी लिखकर डालेंगे वो बताएगा दोस्तों फोटो के ऊपर यहाँ पर। ये हो गया। फॉन्ट साइज मतलब जो वाटरमार्क बताता है उसके साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं नीचे ऊपर राइट लेफ्ट मीडियम। आप यहाँ पर जहाँ पर रखना बॉटम वगैरह में यहाँ से इसको आप रख सकते हैं। बैक आता हूँ, आप यहाँ पर ग्रिड एंड गाइड्स मिलता है, यहाँ से आप ग्रिड कर सकते हैं। यहाँ पे लाइंस दिखेंगे कैमरा ऐप ओपन करने के बाद में। कैमरा क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं आता, बस दिखने में फर्क आता है। सेटिंग्स में आते हैं वापस से। लेवल को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बताएगी दोस्तों, आप फोन पकड़ेंगे इस तरह से तो यहाँ पर एक लाइन को देखकर आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस है एक प्लस को देखकर पता कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को आपने कितना सीधा पकड़ा है। आप थोड़ा सा भी क्रॉस किया है तो पता चलेगा कि क्रॉस सीधा करना बोलकर आपको ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। थ्री लाइन पर क्लिक करके वापस से सेटिंग्स में आते हैं। शूटर साउंड मतलब फोटो क्लिक करते वक्त साउंड नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। फोटो क्लिक करते वक्त साउंड आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। मिरर सेल्फी है, इसको ऑफ कर लेना क्योंकि आप इस एंगल से सेल्फी लेते हो मिरर होकर इस एंगल से आपने सेल्फी लिया है बोलकर बताएगा, इसलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। अगर आप ऑन करके यूज़ करना चाहें आपकी मर्जी। इसके बाद नीचे आएंगे शूटिंग मेथड्स में आएंगे। टैप टू कैप्चर को ऑन करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे सिंगल टच तो फोटो क्लिक हो जाता है इस तरह से टच करेंगे तो ये देख लीजिए। और चलिए ये होगा। इसके बाद यहाँ पे इसी सेम सेटिंग्स में आएंगे, शूटिंग मेथड्स में आएंगे। शो पाल्म को हम ऑन करेंगे तो सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। बैक आने के बाद आप यहाँ पर और आना नीचे इसको भी ऑन कर सकते हैं। और वॉल्यूम बटन एक्शन है, वॉल्यूम पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद साउंड ज़्यादा कम होता है। आप यहाँ पर शूटर पर सेट करके रखें तो फोटो क्लिक होता है। आप यहाँ पर जूम पर सेट करेंगे तो जूम कम ज़्यादा होता है। आप प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम ज़्यादा होता है, माइनस बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम कम होता है। क्विक लॉन्च को ऑन करेंगे तो आप मान लो कि कैमरा ऐप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन इसके ऊपर दो बार क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा ऐप है वो ओपन हो जाता है। और इसके अलावा कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, फेल कर दिया सेटिंग्स को तो यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक करके एक और बार रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसे सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देखकर आप एक और बार ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं।